हेलो दोस्तों, मैं मुकेश सारी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा दसवीं के लिए मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो आपके आने वाले मेट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट इस बार मेट्रिक का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं और आप भी इस बार मेट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट देखिएगा। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं वो आपके मेट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे जा भी चुके हैं और आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और यहां पे पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों, जो यहां पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का मसा 25 दिया गया है, यानी एसीए 25 है तथा लसा 50 यानी एलसीएम 50 है, तो गुणनफल क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मालूम भी होगा कि गुणनफल कैसे निकालते हैं। दो संख्या मसा और लसा दिया गया है, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है 1250, बी में दिया गया 1150, सी में 1350 और डी में 1050। तो आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि हमारा वीडियो सीरीज का जो पहला क्वेश्चन होता है उसका जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में उसका सही आंसर लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर एक का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए, उसके बाद में सभी क्वेश्चन का जवाब मैं आप सभी को वीडियो को माध्यम से बता रहा हूँ। दिया गया 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होता है। तो आपसे बता दें कि आप क्या कीजिएगा कि 625 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा। तो 625 का अभाज्य गुणनखंड 5 मरते हुए कीजिएगा तो वो हो जाते हैं 125, फिर आप 5 मरते हुए कीजिएगा तो 25 हो जाते हैं, फिर 5 मरते हुए लगाते हैं तो 5 25 हो जाते हैं। तो कहने का मतलब जो 5 पे घात आते हैं वो कितने आते हैं, 4 आते हैं। कहने का मतलब 5 इतना है 1 2 3 4 है, यानी 5 पे कितने आते हैं घात, 4 आते हैं। तो कहने का मतलब आपका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 5 का घात अधिकतम कितना आ रहा है तो 4 आ रहा है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो आप सभी को बता दें अभाज्य संख्या कैसे आप देखेंगे कि कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी भाज्य है। तो आपसे बता दें कि कोई भी ऐसा संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड होता है, जैसे देख लीजिए 6, तो 6 का तो अभाज्य गुणनखंड होता है, 2 3 6, तो यह एक भाज्य संख्या है। तो कहने का मतलब कि वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है वह कौन सी संख्या कहलाती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यही भी अगर 5 को देख ले तो 5 का अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है तो यह एक अभाज्य संख्या है। तो पहला संख्या चले तो 15 का होता है, 3 5 15, तो यह क्या चीज़ है, ये भाज्य संख्या। लेकिन हमको क्या चीज़ खोजना है, अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन बी को देखें तो 23 दिया गया है और 23 का कोई भी गुणनखंड नहीं होता है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी में मिल गया है। तो आपको ऑप्शन सी और डी तो देखना ही नहीं है, क्योंकि सी में भी 12 दिया गया है, 6 2 12 और 15 5 75, ये भी कट जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए, त्रिघात दिया गया, द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो आपसे बता दें अगर द्वि दिया गया है तो द्वि के मतलब 2 होता है, तो द्विघात यानी 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो बिना समय गए वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल पे को नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं मैट्रिक के सभी सब्जेक्ट का ऐसे ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आज सभी के लिए ला रहा हूँ। तो आपसे बता दें क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 2, ठीक है। उसके बाद में चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों दिया गया है, त्रिघात बहुपद में घातों की संख्या कितनी होती है। तो आपसे बता दें कि जो त्रिघात जब बोलते हैं तो त्रिघात यानी 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो आपसे बता दें जो त्रि हम हिंदी में लिखते हैं तो त्रि का माने होता है 3, तो क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी त्रिघात बहुपद में घातों की संख्या कितनी हो जाएगी तो 3 हो जाएगी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए, 2 6 10 14 डॉट डॉट का कौन सा पद बेराशि होगा। तो आपसे बता दें कि इसका भी सॉल्यूशन हमारे चैनल पे मौजूद है, आप समांतर श्रेणी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और समांतर श्रेणी के लिंक पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे इसका सॉल्यूशन आप सभी को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए, किसी वृत्त के एक बिंदु पर कितनी रेखा खींची, कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए, किसी वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो आपसे बता दें, अगर वृत्त है और यहाँ पे अगर एक बिंदु की बात करें तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, या इस तरीके से बोला गया है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो आपसे बता दें कि वृत्त पर हम अनगिनत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन का राइट आंसर अनगिनत हो जाएगा या अनंत हो जाएगा। उसके बाद में इसी तरीके से इसका ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो आपसे बता दें, बाहरी बिंदु अगर कोई ए दे देते हैं तो इस पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचने की बात करें तो केवल 2 ही खींच सकते हैं। तो अगर बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने की बात आए तो हमेशा आपको ऑप्शन में 2 खोजना है, अगर अगर बाहरी बिंदु से बात ना आए तो आपको अनंत खोजना है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है हमारा, नियामक ज्यामिति से लिया गया है, मूल बिंदु का नियामक कितना होता है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अगर हमारे नियामक ज्यामिति का पार्ट देखे होंगे तो आप सभी को मैं उसमें बहुत ही डिटेल्स तरीके से आप सभी को सोल्यूशन किया हूँ कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0.0 होता है और ये मैट्रिक एग्जाम 2016 में भी पूछा जा चुका है। उसके बाद में फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 12 को आप सभी देख पा रहे हैं, दिया गया बिंदु 1.5 किस चतुर्थांश में है और क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है -2.-5 किस पाद में है। तो आपसे बता दें किस चतुर्थांश में है या किस पाद में है, दोनों का मतलब एक ही चीज़ होता है। तो आप क्या कीजिएगा कि ये कार्तीय तल बना लीजिएगा और दोनों में जो प्लस होते हैं उसे हम पहला पाद या पहला चतुर्थांश कहते हैं, पहले माइनस और बाद में प्लस होते हैं दूसरा पाद या दूसरा चतुर्थांश कहते हैं, दोनों में माइनस लगा रहता है तो उसे हम तीसरा पाद या तीसरा चतुर्थांश कहते हैं और पहले प्लस बाद में माइनस हो तो उसे चौथा चतुर्थांश या चौथा पाद कहते हैं। तो आपसे बता दें अगर क्वेश्चन नंबर 12 को देखा जाए तो 1.5 दिया गया है यानी जो दोनों में प्लस है तो दोनों में प्लस वाले कितने चतुर्थांश होते हैं, तो पहला चतुर्थांश होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका राइट आंसर प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। वहीं पर बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की तो दिया गया -2.5 दोनों में माइनस लगा है, तो आप सभी को बता दिए हैं दोनों में माइनस लगा हो तो ये कौन सा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा चतुर्थांश होता है या तृतीय पाद होता है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यानी तृतीय पाद, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए और ये भी आपके मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि दो वृत्तों का त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों वृत्त के हमेशा त्रिज्या का अगर अनुपात पूछता है तो उम्मीद करता हूँ कि उसमें पूछा जाएगा आपको क्षेत्रफलों का अनुपात, अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दे देता है तो त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाता है। तो इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं 2:3, बी में 4:9, सी में 3:2 और डी में दिया गया है 8:27। तो आपसे बता दें इसे कैसे आप सॉल्यूशन के साथ हल कीजिएगा, तो अगर त्रिज्या का अनुपात दे दे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो आपको बिना समय गंवाए उसमें स्क्वायर लगा देना है। तो देखिए 2:3 दिया गया है तो दोनों को आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो 2 का स्क्वायर उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मालूम होगा 2×4:3=9 होता है। तो आपको क्वेश्चन में खोजना है कि 4:9 दिया गया है या नहीं दिया गया है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी बी देखें तो 2×4:3=9 दिया जा चुका है जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना होता है। दोस्तों आपसे बता दें कि त्रिकोणमिति में जो पाई का मान होता है वो 180 डिग्री होता है। तो चार ऑप्शन दिया गया था 22/7, तो 22/7 तो पाई का मान होता है लेकिन त्रिकोणमिति में नहीं होता है। उसके बाद में बी में दिया गया 180 डिग्री जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सी में दिया गया 90 डिग्री जो कि गलत है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया गया था, त्रिकोणमिति में अगर कहे तो आपको 180 डिग्री लिखना है, अगर इस तरीके से पूछे तो 22/7 दिया जाता है। उसके बाद में एक यहाँ पे प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का क्वेश्चन दिया गया है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उस कार्ड को इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो आपसे बता दें कि प्रायिकता का एक फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो आपसे बता दें कि यहाँ पे कुल की बात करें तो कुल कितने पत्ते बताए जा रहे हैं, यहाँ पे 52 पत्ते बताए जा रहे हैं। तो आपसे बता दें कि एक तो कुल संख्या सामने आ गई है कि कुल संख्या कितने हैं तो 52 है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है इक्का होने की प्रायिकता, तो आपसे बता दें कि पूरे ताश में जो इक्का की संख्या होती है दोस्तों वो 4 होती है, ठीक है, यानी 4 इक्के होती हैं। तो आपका जो फॉर्मूला कहता है वो कहता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो इक्का के अनुकूल परिणाम कितना होते हैं, 4 होते हैं और कुल संख्या कितना है दोस्तों, 52 दिया गया है। तो आप क्या लिखेंगे, 52 लिख देंगे। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मालूम भी होगा कि 4/52 को हम कैसे कटाएंगे, तो 13×52 यानी 1/13 मरते हम इसे काट सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर प्रायिकता का आने वाला है वह होगा 1/13। तो चलिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं। तो अगर आप ऑप्शन ए को देखें तो 1/13 दिया जा चुका है, तो हमको तो 3 ऑप्शन देखने की ज़रूरत है नहीं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1/13 जो कि आपका ऑप्शन ए में मौजूद है। उसके बाद में चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं और ये प्रायिकता से यह क्वेश्चन आपको 100% मैट्रिक में पूछे जाते हैं कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो आपसे बता दें कि असंभव घटना उसे कहते हैं जो संभव हो ही ना हो, यानी कोई भी ऐसी घटना जो घटित कभी नहीं हो सकती है, नामुमकिन है, उसे असंभव घटना कहते हैं। और ऐसी घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 0 होती है यानी 0 होती है जो कि आपका ऑप्शन बी में मौजूद है। तो आपसे बता दें इसी पे एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, यानी वैसी घटना जो घटित होना संभव है यानी घटित हो सकता है उसे संभव घटना कहते हैं। तो उसका जो प्रायिकता होता है वह
एक होता है। आपसे बता दें कि प्रायिकता का अधिकतम मान भी एक होता है और कोई भी प्रायिकता एक से बढ़कर नहीं हो सकती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि यदि किसी वितरण का माध्य 10 है, माध्यिका 11 हो, तो बहुलक का मान क्या होगा। यहाँ पे आपको मोड पूछा है, बहुलक पूछा है। तो देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, वह होता है 3 × माध्यक या माध्यिका। ठीक है, यहाँ पे माध्यिका दिया गया तो मैं माध्यिका लिखूँगा। 3 × माध्यिका माइनस 2 × माध्य। इसी फॉर्मूला का यूज करके आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो देखिए, 3 × माध्यिका जो दिया गया है तो आप लिखेंगे 3 × माध्यिका का मान दोस्तों कितना है, तो 11 है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 11। फिर लिखेंगे माइनस, सॉरी, 3 × माध्यक माइनस 2 × माध्य, तो यहाँ पे माइनस है। तो इसके बाद में 2 × माध्य दिया जा चुका है, तो आप कीजिए क्या कीजिएगा कि 2 × माध्य का मान कितना दिया गया है, तो 10 दिया गया है। तो आपको क्या करना है कि 11 × 33 हो जाते हैं और माइनस 10 × 2 कितने हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं। तो आप क्या करना है कि आपको 33 में से 20 को घटा देना है। दोस्तों, आपसे बता दें, यहाँ पे जो मिस्टेक हुआ है ऑप्शन लिखने में, इसमें कोई भी सही जवाब नहीं होगा, क्योंकि क्या कीजिएगा, 3 × माध्यक यानी 11 × 33 कर दीजिएगा और माइनस 2 × माध्य यानी 10 × 20 कर दीजिएगा। तो अगर आप इसे घटाइएगा तो कितने आएंगे, 13 आ जाएंगे। अतः दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह 13 होगा। अगर प्लस में बनाइएगा तो 11 × 33 और 10 × 20 बनाइएगा तो उसका 53 आंसर आएगा। लेकिन आपको देखना है कि फार्मूला में माइनस होते हैं या प्लस होते हैं, उसके आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपसे बता दें कि पासा का मतलब लूडो छक्का का जो गोटी होता है उसी बोलते हैं। लूडो छक्का जो होता है पासा की तरह होता है, ये घन की तरह, ठीक है, जिस पे आपसे बता दें कि 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित रहता है। तो यहाँ पे तो कुल संख्या पता चल गया कि पासा में कुल संख्या कितने होती है, तो 6 संख्या होती है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि सम संख्या आने की प्रायिकता, तो आपसे बता दें कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 संख्या होते हैं जो पासा पे होते हैं। तो यहाँ पे सम संख्या की बात करें तो सम संख्या कितने होते हैं, 6 होते हैं, 4 होते हैं और 2 होते हैं। तो यानी सम संख्या की संख्या कितना है, 3 है, और कुल संख्या कितना है, 6 है। तो 3/6 कितना मरते कटाइएगा, तो ये 3 × 6 आपका 1/2 मरते कटेगा। तो कहने का मतलब क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वह होगा आपका ऑप्शन ए, यानी 1/2। उसके बाद में जो अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन को देखें कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात क्या होता है। तो त्रिज्या को आर कहते हैं, परिधि को क्या कहते हैं, 2πr कहते हैं। तो आपसे बता दें कि आर से आर कटेगा 1/2, तो इधर बचेगा 1 अनुपात, इधर बचेगा 2π। तो कहने का मतलब क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह 2π/1 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में मौजूद है, 2π/1। कहने का मतलब आपका ऑप्शन सी, बी और डी बिल्कुल गलत जवाब था इस क्वेश्चन का। उसके बाद में दिया गया है साइन 65° / cos 35° का मान क्या होगा। तो देखिए, साइन जो 65 आपको दिया गया है उसको आपको सेम टू सेम छोड़ देना है, और नीचे कॉस जो 65 दिया गया है उसको कॉस को आपको तोड़ लीजिएगा। इस तरीके से बनाते हैं आप कि कॉस 90 में से आपको क्या करना है, 35 घटाते हैं तो बचते हैं 65। ऊपर वाला को फिर सेम टू सेम लिखिएगा जो दिया गया है साइन 65 डिग्री, और नीचे क्या कीजिएगा, कॉस 90 - θ बराबर साइन θ होते हैं, और θ का मान दिया गया है 65 डिग्री। आपको बता दें कि साइन 65 से साइन 65 एक मरते आप काट दीजिएगा, तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएंगे वह 1 हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन ए में मौजूद है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि टेन 60° का मान क्या होता है। तो आपसे बता दें, जो टेन 60° का मान √3 होता है, तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो अगर आप ऑप्शन बी को देखें तो √3 दिया जा चुका है, जो क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए कि बिंदु पी में दिया गया है -6.8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो आपसे बता दें कि जो मूल बिंदु से दूरी होता है उसका फार्मूला होता है √x²+y²। तो x का मान कितना दिया गया है, -6, इसको आपको स्क्वायर कर देना है, और फिर प्लस y का मान दिया गया है 8, इसको भी आपको स्क्वायर कर देना है। तो आपसे बता दें 6² = 6, 1 = 36 हो जाएंगे, और 8² = 28 = 64 हो जाएंगे। दोनों को आप जोड़ लीजिएगा तो √x हो जाएंगे, और आपसे बता दें 1² का जो वर्गमूल होते हैं वो 10 होते हैं। तो कहने का मतलब क्वेश्चन का राइट आंसर जो आएगा वह 10 इकाई आएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में मौजूद है। तो दोस्तों, आपको भी हो रहा है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में प्रॉब्लम, तो आप डाउटनेट के व्हाट्सएप नंबर, अभी आप व्हाट्सएप नंबर को लिख लीजिए 8400400400 पे किसी भी क्वेश्चन का फोटो खींचे और तुरंत पाए वीडियो सॉल्यूशन, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप और करें अपने हार्ड डाउट की छुट्टी सिर्फ 10 सेकंड में। दोस्तों, आपसे बता दें कि डाउटनेट ऐप पे क्लास 6 से लेकर IIT JEE तक मैथ के साथ साथ क्लास 10th और 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी सवालों का जवाब आप पा सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूँगा
अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।